डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन SMS मैथ्स क्लास। हम लोग NCERT एग्जाम्पलर सीरीज में आज हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है और गोज अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। सो इवन दोज स्टूडेंट जिनके पास NCERT एग्जाम्पलर बुक नहीं है, वो क्वेश्चन यहाँ से नोट कर पाएंगे। सो आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करके सॉल्व करने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 1। आई एम सेइंग पार्ट 1 बिकॉज हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि यही लिखा हुआ है, एक्चुअली इस क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए है क्योंकि ये आपके NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 3 होगा। सी है, ये क्वेश्चन एक उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। और कभी आप अगर इस तरह से महसूस करेंगे तो सिंपल जो डिवाइड करने का तरीका ना, डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड मीनिंग क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम लोग रफ वर्क करते हैं और एक्स प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो एक्स टाइम ऐसे नहीं डिवाइड करते आप लोग, यानी आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर लेना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो ये है माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, वी हैव माइनस एक्स प्लस का 2, सो के माइनस 1 टाइम, सो माइनस एक्स माइनस 1, सो प्लस प्लस, सो इट इज 3 ना, ओके। सो नाउ द आवर क्वेश्चन इज, यानी हमारा जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था आई विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 dx, हमने जैसे डिवीजन स्टार्ट किया, सो जस्ट आफ्टर डिवीजन व्हाट इट बिकम, ये डिवीजन के बाद क्या बन जा रहा है, इट इज एक्स माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 dx, ओके। ये क्वेश्चन हो गया। सो अब हम आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 3 कांस्टेंट है, और 1 ओवर एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। हमने यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन सा फॉर्म अप्लाई किया है, हियर आई एम राइटिंग 1 ओवर एक्स प्लस ए डी एक्स जो है वो लॉग एक्स प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। इन जनरली जब भी हम लॉग लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्रैकेट नहीं पुट करके मॉड पुट करते हैं, क्योंकि लॉग जो है वो सिर्फ मॉड फंक्शंस के, लॉग जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है। सो यहाँ एक्स प्लस 1 का निगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, नाउ लेट अस कम टू अवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। Now what this question is e to power 6 log x minus e to power 5 log x the whole divided by e to power 4 log x minus e to power 3 log x dx. Now again friend, to solve this question we need two formula. Ek to hum kya kar rahe hain, n log m ko hum log likh sakte hain log m to power n, और दूसरा e टू पावर log x जो है x होता है। सो नाउ दीज टू फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए हेल्पफुल होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट मी स्टार्ट, पहले हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो क्वेश्चन हो गया e टू पावर log x टू पावर 6 माइनस e log x टू पावर 5, सिमिलरली e टू पावर log x टू पावर 4 माइनस e log x क्यूब dx। अब ये सेकेंड फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, है ना, ये और log दोनों है, सो क्या हो जाएगा ये, नाउ इट बिकम x टू पावर 6 माइनस x टू पावर 5 द होल डिवाइड बाय x टू पावर 4 माइनस x क्यूब dx। ओके, अब क्या कीजिए, ऊपर से x 5 कॉमन आ सकता है, सो x माइनस 1, और यहाँ x4 कॉमन होगा, सो अगेन x माइनस 1 dx। सो ये दोनों कैंसिल होंगे और आपके पास बच जाएगा सिर्फ x। सो इंटीग्रेशन हो गया x square by 2 प्लस सी ना, इज इट। सो अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, एक बहुत ही इजी से क्वेश्चन। एक चीज शायद ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, यहाँ 3 कॉमन होगा ना, हाँ लोएस्ट पावर कॉमन होगी, सो 3 कॉमन होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो इट मीन नाउ एक्स क्यूब बाई 3। ओके, सो दिस द आंसर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है,
थर्ड क्वेश्चन इज दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स. ओके हियर आई एम राइटिंग, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स द होल डिवाइड बाय एक्स प्लस साइन एक्स डी एस. ये थोड़ा रादर और भी इजी क्वेश्चन जैसा लग रहा है. कैसे, अगर हम एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट करते हैं है ना, ए सिंपल सब्सटीट्यूशन, तो एक्स का रिलेटिव 1 और साइन एक्स का रिलेटिव हो जाएगा कॉस एक्स. सो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बिकम डी टी. सो हमारा क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन टी डी टी, दैट इज सिंपली लॉग टी प्लस सी. सो टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी इज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी. ओके सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5. आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6. ओके मैं यही लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, आपको आइडिया लग जाएगा. द क्वेश्चन इज 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. सो ओके अगेन फ्रेंड्स, जब भी आपके पास 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस हो, सो इट इज बेटर टू राइट द फॉर्मूला है ना डी एक्स. सो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2. डी एक्स तो है, रिपीट करने की जरूरत नहीं ना, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 डी एक्स. ठीक है ना, कॉस को हमने क्या किया न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, तो ये सेकेंड स्क्वायर हो गया. नाउ गेन ये रहा 1 बाई 2. अब सेकेंड का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 10 एक्स बाई 2. और राइट ना, सेकेंड को हमने इंडिकेट किया और जब एक्स बाई 2 के लिए 1 बाई 2 राइट ना 1 बाई 2. सो ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 प्लस सी. सी दैट इज ए कॉन्स्टेंट टर्म ना, एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हम ये नहीं भूलेंगे कि हम एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का पुट करना कभी नहीं भूलेंगे. ओके आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. हेयर आई एम टेकिंग द नोट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इट इज 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड 4 एक्स डी एक्स. ओके 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड 4 एक्स डी एक्स. इस क्वेश्चन में भी 10 एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो सेकेंड है और सेकेंड को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो क्या कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 एक्स को टी पुट करेंगे, जिससे क्या होगा कि डिफ्रेंशिएट करने पे सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी बन जाएगा अगर 10 एक्स को टी पुट करेंगे. तो बच क्या गया, ये तो टी बन गया, टी का स्क्वायर रदर ना, एक सेकेंड बच जाता है. नहीं ये क्वेश्चन आ गया. अब इसको फिर टी में पुट कर दीजिए और सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर राइट ना डी टी. और 10 को जब पुट करेंगे टी के फॉर्म में, सो 1 प्लस 10 एक्स टी है, सो 1 प्लस टी स्क्वायर. लेट अस ओपन द पैकेट. सो टी स्क्वायर प्लस टी 4 डी टी. सो इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब बाई 3 प्लस टी 5 बाई 5 प्लस सी. अब क्या करना है हमें, टी का वैल्यू पुट कर देना है और टी हमारा 10 एक्स है. सो ओके 1 बाई 3 10 क्यूब एक्स प्लस 1 बाई 5 10 5 एक्स डी एक्स. ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया. आइए क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2 एक्स डी एक्स राइट, 1 प्लस साइन 2 एक्स डी एक्स. सो अगेन डियर फ्रेंड, ये 1 प्लस साइन 2 एक्स डी एक्स ये आसानी से ब्रेक हो सकता है. कैसे ब्रेक होगा, सी अगेन द क्वेश्चन. ये हमने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ओके सो नाउ नेक्स्ट वन इज 1. 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2 एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ओके अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार फिर चेक करते हैं. ये तो रहा न्यूमरेटर हमारा जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये शायद बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. और अंडर रूट और होल स्क्वायर को आप जब कैंसिल करेंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अरे ये दोनों कैंसिल हो गया, नहीं दोनों कैंसिल हो गया. सो इट इज सिंपली 1 और 1 डिफरेंटिएशन हो जाएगा x. आइए नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर
9, इट इज समथिंग लाइक दिस, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहां भी आप इसी क्वेश्चन की हेल्प लेंगे ना, जैसे 1 प्लस साइन 2x था, यहां 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसी तरह से होल स्क्वायर बनाएंगे इसको। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे स्टेप लिख रहा हूँ कि आप जब इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो आप इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके पहुंच जाएंगे। ओके, सो डियर फ्रेंड, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया। अभी आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 में कि 1 प्लस साइन 2x था, रूट 1 प्लस साइन 2x, और कैसे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, इसको भी आप उसी तरह से सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ ओवर क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मुझे क्या लगता है कि इन ऑल दीज क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर ना, इन सभी क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज, यहाँ लिखते हैं, इट इज एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है, है ना, ये क्वेश्चन बल्कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस लिए ना उनमें, इस पूरी एक्सरसाइज में, इसको अगर मुझे इस एक्सरसाइज के हॉट क्वेश्चंस बोलने हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में पुट करेंगे। ओके, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाउ यू विल स्टार्ट इट, आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ रूट एक्स है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, है ना, इसका कोई रिलेशन नहीं, तो क्या करते हैं, रूट एक्स बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इस रूट एक्स को ही हटाने के लिए रूट एक्स को टी पुट कर लेते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस फॉर्म में पहुंच जाएंगे ना, 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। ओके, सो नाउ रूट एक्स को अपने टी पुट किया था, यहाँ भी टी, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t डी टी। अब देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो गया 2t स्क्वायर। ओके, देन डी एक्स प्लस पे 2t डी टी, और यहाँ हमारा आ गया टी प्लस 1। So here is a question, nee? So, or rather 2, it is t cube divided by t plus 1 dt. हम इस फॉर्म में ले गए, और फिर अब सोचिए कि इसको क्या करना चाहिए, t plus 1 कैसे कैसे कैंसिल होता है, t plus 1 कहाँ मिल जाएगा हमें, t plus 1 हमें a cube plus b cube के फॉर्म में मिलता है, तो हम इसको a cube plus b cube बनाने के लिए 1 ऐड करते हैं और 1 सबट्रैक्ट करते हैं, दोबारा क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। यानी एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा टी क्यू प्लस 1 डिवाइडेड टी प्लस 1 डी टी, दूसरा क्वेश्चन हो गया 1 ओवर टी प्लस 1 डी टी, राइट। ओके, सो 2, यहां हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, सो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी द होल डिवाइड बाई टी प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सी यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दें, लॉग टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हमें क्या करना है, यहाँ इंटीग्रेट करना है, यहाँ थोड़ा इजी लग रहा है, टी स्क्वायर विल बिकम टी क्यूब बाई 3, 1 की जगह टी और टी की जगह पर टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। अब आप t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, t तो हमारा रूट एक्स है, सो 2 एक्स क्यूब मतलब एक्स टू पावर 3/2/3 प्लस रूट एक्स बाय 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज एक्स बाय 2 माइनस लॉग रूट एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंटेशन c। सो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पल की एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट किया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ सॉल्व नहीं किया है, सीधे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है और हमने प्रोसीड किया है अप टू क्वेश्चन नंबर 10। सो ऑल ऑफ दीज 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को हम 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 2 में भी आ सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में चाहे तो लिया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। आप अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।